शुभ देसी किचन पे मकर संक्रांति का स्पेशल आपको बताने जा रहे हैं। ये देखिए नारियल घिसा हुआ है 250 ग्राम, ये 100 ग्राम शक्कर है, इसका नारियल चिक्की बनाने जा रहे हैं। कढ़ाई गरम है, 1 चम्मच ये डाल देंगे शुद्ध घी, इसके बाद ये डाल देंगे नारियल का घिसा हुआ, अच्छे से इसको भून लेंगे। अपने आप तेल हो जाए, जब मक्खन जैसे जैसे ना पानी छोड़ने लग गया तो समझिए कि चिक्की टाइप का बन गया। फिर इसको जमाने चालू करेंगे प्लेट में। देखिए हल्का भुना गया है, ब्राउनिश आ गया, तो इसमें अभी शक्कर डाल देंगे। अच्छे से सेकिए, इसके बाद 2 चम्मच इसमें खोआ डाल देंगे, ये देखिए केसर इसमें थोड़ा सा है, फिर मिक्स कर देंगे। थोड़ा सा इलायची पाउडर, इसको मिक्स कर लीजिए अच्छे से। तो शुद्ध देसी किचन पे लॉगिन करिए, यूट्यूब पे जाइए, शुद्ध देसी किचन टाइप कीजिए और देखिए शुद्ध देसी किचन पे तरह तरह की पकवान, और अपने अपने घर में बनाइए और एंजॉय कीजिए फैमिली के साथ। ये आप मकर संक्रांति का जो है स्पेशल आप लोग का त्यौहार, उसके लिए आपको नारियल का चिक्की बनाना आप लोग बता रहे हैं, अपने अपने घर में ट्राई कीजिए। ये आपका बन के रेडी है, एक प्लेट में रख के इसको जमा देंगे, चिक्की बन गया। तो ये शुद्ध देसी किचन पे आपको नारियल का चिक्की बन के रेडी है। देखिए और सब्सक्राइब और लाइक करना मत भूलिएगा। उसके बाद इसको थोड़ा ठंडा होने के बाद फ्रिज में या आप बाहर रख सकते हैं इसको, फिर पीस पीस आपको, क्योंकि गर्म है अभी नहीं निकलेगा, ठंडा होने के बाद आप निकाल के खा सकते हैं। चाहिए शुद्ध देसी किचन, लॉगिन कीजिए और फटाफट देखिए, घर में बनाइए और खाइए, एंजॉय कीजिए।